अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम की यानी कि सलाम। जो हमारी टॉपिक है बेसिकली इस मीटिंग का, वो जो फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल चल रहा है, वो है तो बहुत पुराना इशू, तो उसके ऊपर हमारा जो है वो आज हमारी डिस्कशन होगी। तो मेरे साथ जो है एक बिलाल हैदर हैं, जो कि आईआर एक्सपर्ट हैं, आईआर के स्टूडेंट भी हैं, मेरे साथ ही होते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मुबीन है, जो कि बेसिकली तो पॉलीमर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मगर उनका भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो देखते हैं, यानी कि डिफरेंट सवाल करेंगे एक दूसरे से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके ऊपर। तो हाँ, आज की जो मीटिंग है वो जिस तरह के अजीम ने बताया कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सबसे पहले तो यार असल में हम लोगों को ना बहुत से ऐसे मैक्सिमम लोग हैं, हम उठते बैठते हैं लोगों में, हम लोगों को जो है मैक्सिमम लोगों को जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि फ़लस्तीन और इसराइल की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुए, इसराइल मुल्क कैसे बना, उन्होंने कैसे सब कुछ किया। हम लोगों के पास उसकी जो है ना अभी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो है ना हम इससे शुरू करेंगे। मैं अजीम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जो है ना इसराइल और फलस्तीन की जो बेसिक हिस्ट्री है उसके बारे में बताएं। से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहली चीज हम ओटोमन एम्पायर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो अगर देखा जाए ना, सबसे पहले जो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, ये जो फलस्तीन का हिस्सा है, ये जो थी ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, तो आप सबको पता है कि ना ओटोमन एम्पायर जो थी उसे शिकस्त हो गई थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश और रशिया जो थे ना, ब्रिटिश और फ्रांस सॉरी, उसने जो है वो दुनिया इसको जो है पूरे मिडल ईस्ट को वो दो हिस्सों में यानी कि डिवाइड कर लिया, और जो फलस्तीन का एरिया था ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी। जो जब ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी, तो 1917 के अंदर ब्रिटिश ने यहाँ पे इजाज़त दे दी ज्यूज़ को कि वो यहाँ आके लैंड एक्वायर कर सकते हैं और वो रह सकते हैं, क्योंकि पहले जो थे यहाँ पे ज्यूज़ वो बहुत थोड़ी सी तादाद में थे, मतलब कि इक्का दुक्का थे, क्योंकि उनके लिए भी ये होली प्लेस थी। वो आगे जाके डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने यहाँ आके जो है वो लैंड एक्वायर कर लिए और करना स्टार्ट कर दिया। ये सिलसिला जो है 1930 तक चलता रहा और ब्रिटिश भी देखते रहे, मगर 1930 में जाके ब्रिटिश को एहसास हो गया कि शायद अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन, और हमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। फिर काफ़ी पॉलिसीज बनाई गई और रिस्ट्रिक्शन लगाई, मगर शायद तब तक जो थी वो थोड़ी देर हो गई थी। और जो था इसराइल के जहाँ पे अब इसराइल है, वहाँ पे यहूदी जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। फिर यानी कि 1930 के अंदर जब लगाई गई एक्सटेंशन, उसके बाद फिर वर्ल्ड वार टू तक ये चीज़ चली, और वर्ल्ड वार टू में जब हिटलर ने जो है जर्मनी में होलोकास्ट किया और यहूदियों को जो है वो कत्ल किया, फिर इनके पास एक मौका मिल गया इन्हें कि इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि अब जो है हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, क्योंकि हमारी जो नस्ल कशी की जा रही है और हमें जो है वो मिटाया जा रहा है, जो यानी कि जिस तरह के एक्सक्यूजेस थे। फिर देखा गया कि कौन से एरिया है जहाँ पे यहूदी जो हैं बहुत ज़्यादा है, यानी कि तादाद उनकी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है उसी जगह पे उन्होंने जेरूशलम फलस्तीन जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लैंड एक्वायर किए हुए थे, वहाँ पे उनकी काफ़ी तादाद थी। तो उस जगह को मिलाकर 48 के अंदर जो है वो इसराइल बना दिया गया। और जब ये इसराइल बन गया, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए इसको एक्सेप्ट करना नामुमकिन सी बात थी आज तक, यानी कि हम लोग तो नहीं एक्सेप्ट कर सके। तो 48 के अंदर फिर अरब 4-5 ममालिक इकट्ठे होकर इसके ऊपर हमला कर देते हैं, ठीक है, फलस्तीन के ऊपर, यानी कि वो फलस्तीन कह रहा हूँ, इसराइल के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब हमला करते हैं तो यानी कि मगर फिर भी इसे शिकस्त नहीं दे सकते, हालांकि उस वक्त ये बिल्कुल नया नया था, इतनी यानी कि मिलिट्री भी नहीं थी, मगर क्योंकि 1930 के बाद जब ब्रिटिश ने उनके ऊपर एक्सटेंशन लगाना स्टार्ट की थी, तो तब से उन्होंने अपनी आर्मी जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दी थी। और वो 48 की जब जंग हुई यानी कि हमला किया गया, तो वो हार गया अरब ममालिक जो थे। और फिर ये सिलसिला जो है वो 67 तक चल गया, 67 तक, यानी कि इसके अंदर बहुत तेजी आ गई, ज्यूज पूरी दुनिया से आकर जो है माइग्रेट करके उधर आके रहने लग गए। 67 में दोबारा जो है अरब ममालिक ने जो है वो उनके ऊपर हमला कर दिया, और वो जंग भी हार गए हम, ठीक है। और उसके हारने का एक नुकसान ये हुआ, जो मिस्र की पट्टी जो गजा की है, मिस्र से जो हमने लिया, यानी कि मिस्र का हिस्सा जो गजा की पट्टी थी, वो जो है वो इसराइल ने ले ली, और जो ये जो है वो गोलान का एरिया भी जो है वो इसराइल ने जो है वो एक्वायर कर यानी कि ले लिया। और फिर मुसलमानों का जो फलस्तीन था पहले, यानी कि फलस्तीन जो है वो हाफ हाफ था, मतलब कि हाफ मुसलमानों के कंट्रोल में था और हाफ जो था वो
यहूदियों के कंट्रोल में था, वो भी पूरा, जो क्योंकि जाहिर सी बात है जब साइड के एरियाज जो है वो इसराइल ने कवर कर लिए थे, तो वो भी उनके ऊपर भी उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया, और वहां के मुसलमान जो थे वो बिल्कुल ही जो है वो दब के रह गए किस्म का। मगर फिर ये बात यहाँ तक नहीं रही, ठीक है, फिर 73 के अंदर 1973 में इनका योम कपूर होता है, यहूदियों का दिन होता है, जैसे वो उसी दिन वो रोजा रखते हैं और उनका वो बहुत हॉलीडे होता है। उस दिन जो है फिर अरब ममालिक ने जो है कोशिश की और हमला कर दिया, और उसमें भी वो नाकाम रहे। मगर ये जो गजा का एरिया है, गजा की पट्टी जो थी, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत गुंजान आबाद इलाके और यहाँ गोरिल्ला वार वगैरह ये बहुत मामूल है, यहाँ पे फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हमास, जिसे अब यानी कि आजकल भी हम जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान और हमास के अलावा तो शायद कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा मेरी नज़र में, तो हमास ने जो है वो यानी कि वो यानी कि लड़ाई जारी रखी, और जो है वो इसराइल के साथ उनकी जंगें चलती रहीं। 2005 तक ये बात आ पहुंची, आखिरकार इसराइल ने जो है वो सरेंडर किया और उसने मान लिया कि ना गजा को आज़ाद कर दिया, उस पट्टी को जो है वो आज़ाद कर दिया। तो फिर उसके बाद जब वो आज़ाद हुई, फिर भी यानी कि इन दोनों के कंफ्लिक्ट तो चलते रहे और आज तक चल रहे हैं, जाहिर सी बात है, उधर से अगर मिसाइल चलते हैं, इधर से एयर स्ट्राइक होती है, और मरते जो हैं बेचारे मुसलमान जो है वो वहां पे वो मर रहे हैं काफी अरसे से, यानी कि शहीद हो रहे हैं। अब ये असल चीज़ ये थी कि क्योंकि मुसलमानों के लिए भी ये बैतुल मकदस है, ठीक है, और इसराइलों के लिए भी ये मक्का मदीना की हैसियत रखता है जैसे हमारे लिए है, क्योंकि उन्होंने टेम्पल हैकल सुलमानी जो है वो वहाँ पे तामीर करना है उनके लिए, इसलिए जो है वो यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है उनकी इस जगह की, और क्रिश्चियंस के लिए भी, क्योंकि हज़रत ईसा ने जो है यहाँ पे काफ़ी अर्सा अपना गुजारा। तो ये तीनों बड़े मजाहिब के लिए जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं, उन तीनों के लिए जो है ये काफ़ी जो है वो मुकद्दस जगह है, ये समझ लें आप, असल ये चीज़ है, ठीक है। और फिर जब यानी कि ये गजा की पट्टी और ये गोलान का इलाका जो है इसराइल ने ले लिया, तो तब जो था वो अब जो यानी कि जेरूशलम है वो इसराइल जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक तो थी गजा की पट्टी और वो आज़ाद हो गई थी वहां पे, क्योंकि हमास का कंट्रोल है और वहां के मुसलमान जो थे उनके पास तो चलो असला वगैरह था। दूसरा इलाका है वेस्ट बैंक का, ठीक है, वो जो एरिया है वो सारा जो है वो ज्यूज, बिल्कुल वहाँ गुंजान आबाद इलाका है और वो सारे ज्यूज हैं, और वहाँ के मुसलमान जो हैं जो मस्जिद अक्सा वाले एरिया है वहाँ के मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल यानी कि नहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है असला वगैरह, तो इसीलिए जब आप मस्जिद अक्सा की वीडियोस देखते हैं तो वहां पे मुसलमानों के हाथ में पत्थर ही आपको नजर आएंगे, वहां पे आपको बंदूकें वगैरह या कोई इस तरह के असला नहीं नजर आएगा, यही वजह है कि वो जो एरिया है वो सिर्फ वहां पे लड़ रहे हैं। फिर इस चीज को देखते हुए पिछले सबका सदर जो थे अमेरिका के ट्रम्प, उसने एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट की कि ना अरब मुल्कों की जो है वो इसराइल के साथ दोस्तियां स्टार्ट कर दी, मतलब कि दोस्ती करवाना स्टार्ट कर दी कि चलो इस कंफ्लिक्ट को खत्म किया जाए, और काफी जो मुल्क थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मगर पाकिस्तान ने तो नहीं किया। और मैं मेरी नजर में देखा जाए अगर, तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो इतने जो फलस्तीनियों ने अपने जो खून बहाए हैं तो ये उनकी सारी कुर्बानियां रहेगा जाती हैं, तो इसका एक देखा जाएगा सॉल्यूशन। के ना यूएन क्यों नहीं, यानी कि बात यूएन ने क्यों नहीं बात सुनता हमारे अरब ममालिक की, पूरे 1.5 अरब अगर देखा जाए, 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की और 1% देते 57 के हैं करीब यानी कि ममालिक हैं, ये सब मिलके जो बिल्कुल, है यूएनओ को रेवेन्यू देते हैं वो 0.75% है ओनली, 0.7, और वन हाँ परसेंट भी नहीं और है। अकेला अकेला जो अमेरिका और जापान की बात कर लीजिए 20-20% देते हैं। तो इन सब के बावजूद हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और वो ना वीटो करे वो। बिल्कुल यानी कि हाँ, अब यानी कि मैं यहाँ पे मुबीन से यानी कि बात करता हूँ कि ना अगर देखा जाए पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि मुसलमान उम्मा का क्या स्टांस होना चाहिए। बिस्मिल्लाह यार, बात यह है कि हम लोग कौन है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक जो है ना मजबूत अकीदा है कि जो इस्लाम है ना वो मुबीन आप सिर्फ कैमरा ऐसा ऑन कर दीन नहीं दो, है जो, अच्छा 1 मिनट, तो मुसलमान होने के नाते हमारा जो एक अकीदा है वो ये कि यार जो इस्लाम है ना वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नहीं बल्कि वो कयामत तक का दीन है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में किया, जो उन्होंने हुक्म दिया, जो कुरान में हुक्म आ गया, वो हमारे लिए मशले राह है। उससे हट के हम जो है किसी चीज का सोल्यूशन नहीं देख सकते, क्योंकि इस्लाम ने पूरा हमें दे दिया कि यार आपका ये चीज है, अगर इसका ये सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। तो बात अब आ जाती है कि मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान का स्टांस क्या होना चाहिए। अब इसको अगर इस्लाम से हट के भी देख लिया जाए तो
ये एक थ्योरी भी है, जैसे भी है हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कौम जो है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो। बेशक वो जो मर्जी कर ले, जब तक वो उसकी एक अपनी जो है वो इंडिपेंडेंसी ना हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, चाहे वो फंडिंग लेके डिपेंडेंट हो, जैसे भी हो, वो तरक्की नहीं कर सकती। अब इसके ऊपर जो है एक मैं एक वाकया कोट करना चाहूंगा, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुस्लिम औरत थी, वो जो है वो अपना जिस तरह मुसलमानों का जो लिबास होता था, जिस तरह भी वो अपना लिबास जेब तन करके वो एक जगह पे बैठी हुई थी। तो आप लोग को जैसे पता, जो यहूदी हैं वो शुरू से ही जो है बहुत ही शैतानी जहन के, और बहुत ही जो है ना वो इस तरह के लोग हैं कि शरारत करना, शैतानी शैतानियत फैलाना उनका काम है। तो उस ये वो जो औरत थी वो एक यहूदी के दुकान के बाहर बैठी हुई थी, उसके पास बैठी हुई थी मतलब। तो यहूदी अपनी दुकान से अपने मामूल के मुताबिक निकला, जब घर जा रहा होगा जैसे भी, तो उसने निकलते हुए उसने उस औरत को देखा, और उसने पीछे से जो है ना उन औरत के जो अबाया था उसके अंदर जो है वो कील ठोक दी। अब जब औरत अपने मामूल के मुताबिक उठी तो वो जो उनका अबाया था वो उतर गया, फट गया जैसे भी। तो ये खबर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूरा माजरा सुना, तो सहाबा भी सल्लम ने इसके ऊपर क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम यही किया कि उन्होंने अपनी फौज इकट्ठी की, ठीक है। और जो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो जो यहूदी था वो बनू नजैर, जो आप लोगों को पता है कि एक यहूदी कबीला रह चुका हुआ है, उसका वो यहूदी था। उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी जंग अपना पूरा काफिला लेकर सहाबा कराम के पूरा जो है लश्कर तैयार करके बनू नुजैर के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। जब ये खबर बनू नुजैर तक पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं पूरा अपना लश्कर लेकर, तो उन्होंने अपने आप को किले में बंद कर लिया। जैसे कि हम सबको पता है कि जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, वो शुरू से जो है वो किलों में रहने के आदी रहे, क्योंकि उनको ये डर होता था कि यार मुसलमान बेशक जो है वो ओपन में रहते हैं लेकिन फिर भी वो ताकतवर हैं। तो उन्होंने अपने आप को जो है वो किले में बंद कर लिया। अब यहाँ पे हम अब देखते हैं कि यहाँ पर बात कितनी सी है, एक औरत की इज्जत की बात है, ठीक है। बात आ जाती है औरत की इज्जत की। औरत की इज्जत को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पूरा लश्कर तैयार करके बनू नुजैर के ऊपर जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। अब बनू नज़ैर के जो लोग थे वो किले के अंदर छुपे बैठे हुए थे, बहुत दिन गुजर के, रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दिन जो है बाहर किले के इंतजार किया, लेकिन वो लोग भाई नहीं है। अब हमारे इस्लाम के अंदर ये चीज है कि जब कोई भी जंग होती है तो ना आप जो एक अनआर्म्ड पर्सन होता है, ना आप उसको अटैक कर सकते हो, ना आप बच्चों को अटैक कर सकते हो, ना औरतों को अटैक कर सकते हो, ना उनकी जो फसलें होती हैं जहां से वो खाना खा रहे होते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, ना हम उसको आग लगा सकते हैं। अब जब बहुत दिनों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबा इंतजार करते रहे कि वो लोग बाहर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनकी जो फसलें हैं उनको आग लगा दी जाए। जब वो आग लगाना शुरू, तो यहूदियों तक खबर पहुंची कि ये तो मामला बहुत बिगड़ गया है। तो वो लोग अपने किले से बाहर निकले मुआयदा करने के लिए। अब वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म ये दिया कि तुम लोग जो है वो तुम लोगों ने बहुत ही घटिया हरकत की, आप लोग जो है अपना मतलब सामान पैक करें और यहाँ से हिजरत कर जाएं, यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, या फिर हमारे साथ जंग करें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा सामान वहां से उठाया और वहां से निकल गए। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। पहली बात ये कि वहां पे बात क्या थी, सिर्फ औरत की एक इज्जत थी, औरत के पर्दे की बात थी। अब फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहां पे औरत तो औरत की इज्जत की बात भी है, वहां पे बच्चों की जानों की बात भी है, वहां पे मुसलमानों के हक की बात भी है, वहां पे इंसानियत की बात भी है। एक औरत की, सिर्फ एक औरत की इज्जत की बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो है वो खुल के एहतजाज भी नहीं इसके ऊपर कर सके। बात यह आ जाती है कि अफसोस इस चीज का भी है कि कुछ सालों पहले 50 मुल्कों, 50 मुस्लिम ममालिक की एक जो है वो तंजीम बनाई गई थी, जिसके जो है लीडर वो हमारे जनरल रहील शरीफ साहब थे। उस वक्त जो है हम लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि यार अब हम 50 मुल्कों की जो है वो एक ज्वाइंट टीम बन गई है, तो कुछ भी होगा हम इसके ऊपर जो है वो स्टांस ले सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त है, तो वो जो है वो लोग भी इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं ले सके। अब बात आती है पाकिस्तान का, ने क्या किया और पाकिस्तान क्या स्टांस ले सकता था और क्या नहीं लिया। हम लोगों ने कश्मीरियों के साथ भी किया, 70-75 साल हो गए हैं हम लोग कश्मीरियों के साथ जो है वो भाईचारे के नारे लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कोई भी, कोई वो नवाज शरीफ का दौर हो, वो इमरान
इमरान खान का दौर हो, वो जो है हमारे डिक्टेटरशिप का दौर हो, कोई भी है, उसने कोई कोई खातिर खा काम जो है कश्मीरियों के लिए नहीं किया, तो हम लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हमारे लीडरान जो है वो फलस्तीन के लिए कोई काम करेंगे। जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना था तो फलस्तीन में जो है वो जश्न का समा था, और फलस्तीनी ये भी आता है कि एक वाकई फलस्तीन के बच्चे जो थे उन्होंने अपने हाथ में कंकर पकड़ लिए और इसराइली फौजों के सामने चले गए। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे हाथ में कंकर है ना, इनको ना आप देखें, हमारा जो मुस्लिम मुमालिक, हमारा एक दोस्त है ना, दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, वो न्यूक्लियर पावर बन गया, जब आप हम लोग पे हमला करने जा रहे होंगे ना, तो ये मत सोचेगा कि हमारे पास पत्थर है, आप ये सोचेगा कि वहां पे हमारा एक मुस्लिम जो है मुल्क, हमारा दोस्त बैठा हुआ है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। आप लोग अगर हमारे साथ मुकाबला करोगे तो इसका मतलब है आप लोग उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अफसोस यही आ जाता है कि आज हम लोग इसी चीज पे आ जाते हैं कि यार वो दौर तो और था, वो दौर तलवारों का दौर था, अब तो न्यूक्लियर वेपन्स का दौर आ गया, यहाँ से एक न्यूक्लियर मिसाइल चलेगा, दुनिया जो है वो इसराइल तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो लेकिन बात वही आ जाती है कि इस्लाम जो है वो डे वन से लेके डे लास्ट डे तक का दीन है, वो एक स्पेसिफिक जो है वो टाइम पीरियड का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पीरियड का दीन नहीं था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होकर वो क्यामत तक रहेगा, और इससे बेहतर ना कोई दीन आ सकता है और ना आएगा। हमें भी यही करना चाहिए था, एटलीस्ट हम चलो इसराइल से जंग का अगर हम जो है इरादा नहीं भी रखते, तो हम फलस्तीन के डिफेंस के लिए, उनके उनके साथ खड़े होने के लिए, इसराइल को ये दिखाने के लिए कि अगर आप हमला कर रहे हो तो हम लोग, आप लोग, हम लोग फलस्तीनियों का साथ देंगे, हम अपनी फौज वहां पे भेज सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वैसा नहीं किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों की जो है मुसलमानों की 50 मुल्कों की एक तंजीम भी बनी हुई है, जिसका काम ये था कि मुसलमान जो है वो किसी भी जगह पे है, वो फलस्तीन में है, वो सीरिया में है, वो इराक में है, वो ईरान में है, वो कश्मीर में है, कुछ भी होता है, हम लोग खड़े होंगे और हम लोग एक भरपूर स्टांस लेंगे। अब यहाँ पे बात है, अमेरिका में एक जो वो ब्लैक लाइव्स मैटर का एक हैशटैग चला था, जिसके ऊपर बाद में क्या कुछ हुआ था, ठीक है, वो इसके लोग लिए बात तो यूनाइटेड वो भी थे। पिछले दिनों से यानी कि इंडिया के लिए टॉप ट्रेंड यहाँ पे अब सब यहूदियों की अगर बात आ भी जाती, वही बात आ जाती है ना, अब यहाँ पे यहूदियों की भी बात कर लें, अगर दुनिया के कोने में किसी भी कोने में एक यहूदी को भी जो है वो हम कुछ कह लेते हैं, वो पूरी यहूदी जो है वो ये नहीं देखते कि यार ये वो तो फलाम मुल्क का मसला है, वो हल करे, वो लोग पूरे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे अरब जो ममालिक हैं उनका भी एक स्टांस है कि वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमान बाद में और हम लोग अरब पहले हैं, हम लोग अपने मुफाद पहले देखेंगे। जो कोल्ड वॉर है उसके अंदर चीज यही है, इकोनॉमी की जंग है, जो चीज जो मुल्क जितना आगे, इकोनॉमी जिसकी जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी वो जो है वो लीड करेगा। उसी जंग में हम लोग जो है वो ये भूल चुके हैं कि हम लोग किसी जमाने में एक यूनाइटेड मुसलमान भी हुआ करते थे, और हमारे नबी का यही फरमान था कि मुसलमान जो है वो एक बदन की तरह है, किसी एक कोने में, किसी एक अजू में जो है वो दर्द होती है, तो वो पूरा पूरा जिस्म में दर्द होगी, लेकिन हम लोग ये भूल चुके हैं। और मैंने कि आपकी बात को अगर समअप किया जाए तो वो यही है कि पाकिस्तान को कोई एक्शन परफॉर्म करने चाहिए। एक्शन वही एक फलस्तीनी, अब वो वीडियो में देख रहा था, वो औरत हाथ उठा के कह रही है कि ऐ आजाद मुसलमानों, यानी कि मदद करो यार, तुम लोग तो आजाद हो, मगर असल में उसे नहीं पता कि हम लोग गुलाम हैं, हम लोग आजाद नहीं है। तो आप यानी कि अगर इस चीज को पूरे हम लोग तौर उनसे पर भी समझ लो ज्यादा तो भाई गुलाम फिर है। क्या करेंगे। मैं कंक्लूजन पे जाने से पहले ना एक चीज ऐड कर दूंगा कि पाकिस्तान को क्या करनी चाहिए या हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे भाई ने इसको डिस्क्राइब भी किया। देखें, हम जो है ना खुद यूनाइट नहीं है आपस में। सऊदी अरब, जैसे आपने कहा ना कि हमने वो ये भूल गए कि हम मुसलमान थे, और अब हर कोई जो है ना अपनी आइडेंटिटी के पीछे लगा पड़ा है और उस पर जो है ना वो चले जा रहा है। अभी हम अगर कुछ इस्लामिक कंट्रीज उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, तो दूसरी जो स्टेट्स हैं वो उल्टा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मैंने अभी काफी ऐसी चीजें देखी कि इवन जो मतलब हमास के पास जो वेपन्स जा रहे हैं, दूसरी चीजें जा रहे हैं, तो उसको लेके ना सऊदी अरब के कुछ जर्नलिस्ट थे या कुछ दूसरी चीजें थी जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, कि वो एक इसको बिल्कुल जो है ना वो नेगेटिव वे में इसको पोर्ट्रे कर रहे थे, और जैसे कि वो कह रहे थे कि यार मतलब अगर इनको हमास को ये मिसाइल ना दिए जाते तो फलस्तीनियों पे बम गिरते ही ना। मतलब अब यार हमास ने जाके अभी रिटेलिएशन स्टार्ट किए, वो और उससे पहले जो लोग होता, उससे पहले जो होता आया है वो भी इनके बकौल जो है वो ईरानियंस ने मिसाइल दिया है तभी हुआ होगा।
मतलब सही है, यानी कि अब काफी कुछ हम लोगों ने आज के सेशन में जो है वो डिस्कस तो कर ली है। इंशाल्लाह दोबारा एक यानी कि सेशन क्रिएट करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप, यानी कि और बाकी चीज़ों का आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस को शेयर किया। इस चीज़ को मजीद आगे लेकर चलेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू।